नमस्कार दोस्तों, हमारे सौरमंडल के कुछ फैक्ट है जो काफ़ी आश्चर्यजनक है। मैं हूं मुंटू जी एंटरटेनमेंट और आपको आज इस वीडियो में हमारे सौरमंडल के कुछ फैक्ट को बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, प्लैनेट एंड मून डेट कैन फ्लोट इन वाटर। दोस्तों, सैटर्न का एक मून है जिसका नाम हाइपरेनियन है और ये थोड़ी सी स्पॉन्जी आपको दिखेगी। इसमें एक अमेजिंग बात यह है ना कि इसका घनत्व जो है वो पानी से भी आधा है। अगर आप लोग विज्ञान की मदद लेकर हमें ये बता दो कि अगर एक बाद टफ हम लोग मून से भी बड़ा बना दिए, अगर उसमें अगर डुबो देंगे ना मून को, तो वो एकदम स्पॉन्जी हो जाएगा। लेकिन आपको ये बात जानना ज़रूरी है कि ये जो है ना, ये पानी में तैरने लगता है। और प्लैनेट सैटर्न और शनि ग्रह का भी ऐसा ही कुछ प्रॉपर्टी है। क्या है ना कि सैटर्न सॉलिड कम, गैस से ज़्यादा भरा हुआ होता है और इसी के चलते है ना, आप सैटर्न को पानी में अगर डुबोगे ना तो वह तैरने लगेगा। क्योंकि दोस्तों, पानी की डेंसिटी और गैस की डेंसिटी में काफ़ी अंतर होता है, क्योंकि गैस हल्का होता है और पानी भारी होता है। नंबर टू, एस्ट्रॉयड विथ मून। दोस्तों, हम लोग तो ये जानते हैं कि प्लैनेट का अपना मून होता है, जैसे जुपिटर का यूरोपा, अर्थ का मून, मार्स का योमोस। लेकिन क्या आपको पता है कि कोई एक ऐसा एस्ट्रॉयड है जिसका अपना भी मून होता है? लेकिन क्या कोई एक ऐसा मौजूद है एस्ट्रॉयड जिसका अपना मून हो सके? जनरली एस्ट्रॉयड का तो अपना मून नहीं होता है, पर मैं आपको बता दूं कि वह जो खुद का जो एक मून होता है ना एस्ट्रॉयड का, वह है इस वीडियो में। यह जो मून है वह बहुत सारा छोटा है, लेकिन अमेजिंग बात है ना कि एस्ट्रॉयड का अपना मून है। वह मून है 243 आइडिया नाम का एक मून है जिसको डैक्टाइल कहा जाता है, वो इस एस्ट्रॉयड का अपना मून है। ऐसा दोस्तों 143 एस्ट्रॉयड है जिसका मून खुद का होता है, इरिस। प्लूटो के साथ साथ आप लोग दोस्तों इरिस का भी नाम सुने होंगे। सोलर सिस्टम का एक वो भी एक हिस्सा है। सोलर सिस्टम के 9वें प्लानिट प्लूटो से जो सबसे ज़्यादा दूरी पर है ना, वह इरिस ही है। मालूम है ये जो प्लूटो से मालूम है 3 गुना सबसे ज़्यादा दूरी पर यह इरिस खड़ा है। ये जो प्लानेट है ना, जो भी सूरज के जैसे चक्कर लगाता है, तो यह 3 गुना दूरी से अगर चक्कर लगाता है, जैसा कि धरती सूरज का चक्कर लगाती है एक ईयर में पूरा लगा लेती है ना, तो वैसी इरिस है ना, आपको मालूम है 570 साल चक्कर लगाते रह जाता है सूरज का, और धरती का 1 साल और उसका इरिस का 570 साल, बहुत काफ़ी अंतर है। सूरज के चक्कर काटने में इतने टाइम वो वेस्ट कर देता है। आप लोग को पता होगा कि अगर प्लूटो हमारी सोलर सिस्टम का अगर हिस्सा नहीं रहा, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इरिस भी हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है, लेकिन वह काफ़ी स्पेस पर एग्जिस्ट करता है। हमारे मात्र 8 प्लानेट ही बच चुके हैं अब। नंबर 4, गाइनामेड। वैसे तो दोस्तों जुपिटर का आजू बाजू काफ़ी सारे मून है, पर गाइनामेडा है ना जो कि सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है। अगर यह मून गाइनामेडा सूरज का अगर चक्कर लगाया होता तो ये सबसे स्मॉलेस्ट प्लानेट भी नहीं हुआ होता, क्योंकि ये जो मून गाइनामेडा है ना, मरकरी यानी बुध ग्रह से भी ज़्यादा बड़ा है। नंबर 5, V774104। आप में तो ये सुना ही होगा। आपसे मैं पूछूं कि सबसे फार्देस्ट प्लानेट कौन है, तो आप बोलोगे प्लूटो। नहीं दोस्तों, आप तो कहोगे कि इरिस का बारे में आप लोगों ने अभी बताया था, लेकिन नहीं दोस्तों, अगर मैं आपका डिस्टेंस वाइज प्लानेट का नाम दूं, तो ड्रॉप प्लानेट जो है उससे दूर है, और जो प्लानेट जिसका नाम कैप्चन है वह भी दूर है। यूरेना है ना, उससे भी दूर है। मेकमेक है ना, उससे भी दूर है। उसके बाद आता है इरिस। बाद जो प्लानेट जो बचा वो 2012 V511113 बचा, और ये कहानी दोस्तों अभी ख़त्म नहीं होती है। दोस्तों मालूम है उसके बाद भी प्लानेट कई सारे हैं जिसका नाम है सेनेडा, और उसके बाद जो आता है वो है V774104 प्लानेट। इसके खोज मालूम है 13 अक्टूबर 2015 में की गई थी साइंटिस्टों के द्वारा। अभी तक नहीं पता चला है कि एस्ट्रोनॉमर को कि ये सब कहाँ से आया। अगर आप इंटरेस्टिंग फैक्ट जानना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि आने वाली नोटिफिकेशन की वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा है।